दोस्तों दौड़ते वक्त अगर आपका पेट दर्द करता है तो दोस्तों उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप आर्मी, CISF, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, किसी भी फोर्स में रनिंग की तैयारी कर रहे हो या एक एथलीट बनने के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रनिंग में जो पेट दर्द होता है उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। उन कारणों की बात आज के इस वीडियो में कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपके पेट में कहीं कुछ इंफेक्शन हो रखा हो तो दोस्तों आपको पेट दर्द हो सकता है। दोस्तों दूसरा कॉमन कारण ये हो सकता है कि दोस्तों अगर आपने कभी पहले रनिंग की प्रैक्टिस करी ही नहीं हो तो दोस्तों आपका पेट यकीनन दर्द करेगा, यहाँ से दर्द करेगा। दोस्तों तीसरा कारण ये हो सकता है आपके पेट दर्द का कि आप रनिंग करने के लिए जा रहे हो और दोस्तों आप सोच करके नहीं जाए, पेशाब करके नहीं जाएंगे तो दोस्तों यकीनन आपका पेट दर्द होगा, क्योंकि आप अभी उतने ट्रेंड नहीं हुए हो कि आपके शरीर को इस प्रकार की मसल्स प्रैक्टिस करने की आदत हो। जैसे ही आपको आपके शरीर को इस प्रकार की हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाएगी उसके बाद दोस्तों आपका पेट दर्द नहीं होगा। दोस्तों अब मैं मेरी बात करूं, आप में से हर एक लड़के की बात करूं तो दोस्तों अगर आपने बहुत दिनों तक रनिंग नहीं की है और अचानक से रनिंग करने जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आपका पेट दर्द होगा, यकीनन होगा, 101% होगा अगर दोस्तों ये तीन कारण रहे तो। लेकिन दोस्तों अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर आप बिल्कुल न्यू एथलीट हो, बिल्कुल आपने पहले रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो दोस्तों आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको धीरे धीरे रनिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फर्स्ट डे रनिंग करने गए और आपने स्पीड से रनिंग की तो दोस्तों आप 400-500 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पाओगे और उसके बाद आपका यहाँ से पेट दर्द चालू हो जाएगा। इससे बचने के लिए केवल यही तरीका है कि आप रनिंग करने जाएं तो बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग करें 5 से 6 दिन। दोस्तों 5-6 दिन बाद आप अपने स्टेप बढ़ा लें, अपनी स्टेमिना को धीरे धीरे बढ़ाएं तो दोस्तों यकीनन आप एक धावक बनोगे, जोरदार रनिंग कर पाओगे बिना कोई पेट दर्द के। दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है कि दोस्तों आप सोच करके नहीं जाते, इसीलिए आप अपने पेट को साफ रखें, चाय का सेवन कम करें और दोस्तों दूध का सेवन ज़्यादा करें अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हो, रनिंग के खिलाड़ी बनना चाहते हो। दोस्तों तीसरा कारण ये है कि दोस्तों अगर आपके पेट में कुछ इंफेक्शन हो रखा हो और आपको पता है कि मेरे पेट में इंफेक्शन है, मेरे पेट में ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों सबसे पहले उस पेट के दर्द को कम करने की कोशिश करो, उस पेट की बीमारी को अलग करने की कोशिश करो। यकीनन दोस्तों ये तीन कारण ही होते हैं मेजर जिसके कारण पेट दर्द की शिकायत आती है। इसके अलावा कोई भी शिकायत, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप दोस्तों 10 से 15 दिन बाद अपने आप को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वास्तव में 15 दिन पहले मेरे पेट में दर्द था, आज मेरे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। और दोस्तों आप एक शुद्ध इंडियन घोड़े बन जाओगे और दोस्तों आपके बराबर फिर कोई टक्कर वाला नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। पेट अगर दर्द होता है इन सब के करने के बाद भी तो दोस्तों हताश नहीं होना, क्योंकि धीरे धीरे आपका पेट दर्द कम हो जाएगा। मगर दोस्तों आपकी बीमारी है तो उसका इलाज करवा लीजिए, और अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो पेट दर्द से रिलेटेड तो कमेंट करें। दोस्तों मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा जिससे कि शायद आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये पेट दर्द के कुछ कॉमन कारण मैंने बताए, इस पेट दर्द को बचने के लिए मैंने कुछ कॉमन कारण बताए। दोस्तों अगर आपने इन कारणों का पता लगाकर अपने शरीर पर काम किया तो दोस्तों यकीनन आपका पेट दर्द नहीं होगा और आने वाला समय आपका है। मेरे हिसाब से अब आप कि बहुत सी शिकायतें कम हो गई होंगी, इसलिए दोस्तों आप कमेंट करें आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय हिंद, वंदे मातरम।